हेलो फ्रेंड्स मोनिट्रल एकेडमी में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा प्रोटीन सो so, फ्रेंड्स प्लाज्मा प्रोटीन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है।, है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है सो so, प्लाज्मा प्रोटीन आपको ध्यान से पढ़ना है इस पे थोड़ा फोकस देने की जरूरत है फ्रेंड्स क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन जो है इसमें काफी सारे प्रोटीन्स हैं जिसमें जिसको आपको पता होना चाहिए कि आपके बॉडी में अगर नॉर्मल नौ, लेवल पे है तो कितना होगा और एब नॉर्मल लेवल पे है तो कितना होगा इसमें क्वेश्चंस भी काफी अच्छे अच्छे आते हैं एग्जाम में ठीक है so, सो इसे ध्यान से पढ़िएगा सो फ्रेंड्स देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो so, प्लाज्मा प्रोटीन सो फ्रेंड्स प्लाज्मा प्रोटीन से आप क्या समझते हैं ठीक है प्लाज्मा बेसिकली होता किस में है जब आप सैंपल लेते हैं सपोज कीजिए आपने किसी का कलेक्शन किया ठीक है आपने डिफरेंट टाइप्स की ट्यूब्स में सैंपल लिए होंगे कलरफुल ट्यूब्स होंगी कोई येलो कैप होगी कोई लेवेंडर टॉप होगी कोई ब्लैक टॉप होगी कोई ग्रे टॉप होगी ठीक है तो आपने डिफरेंट डिफरेंट ट्यूब्स में सैंपल्स लिए होंगे अब उन ट्यूब ट्यूब में क्या है एंटी एंटीकोंगलेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो भी आपको पता होगा ठीक है फ्रेंड्स तो हम पढ़ते हैं स्टार्ट करते हैं ब्लड प्लस एंटी एंटीकेंट प्लस एंटीफ्यूज इसका मतलब क्या है सो ब्लड ब्लड क्या है जो हमने कलेक्ट किया है पेशेंट से ठीक है एंटी एंटीकॉन्ग्लेट क्या है जो ट्यूब में पहले से ही प्रेजेंट है सेंट्रीफ़्यूज़ जो हम सेंट्रिफिकेशन करते हैं सैंपल को रोटेट करवाते हैं ठीक है सो so, अगर हमने पेशेंट का ब्लड लिया ब्लड के अंदर एंटीकोट प्रेजेंट है तो उसमें से क्या निकलेगा प्लाज्मा निकलेगा क्योंकि प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है सो सेल कंपोनेंट सेल कंपोनेंट कौन कौन से निकलेंगे इसमें से So, ज प्लाज्मा निकलेगा इसमें जो सुपरफिशियल जो सुपरिनटेंडेंट होगा सेंटरफ्यूज के बाद उसमें क्या होगा प्लाज्मा निकलेगा ठीक है अगर आप पीडीटीओ को सेंटरफ्यूज करते हैं तो उसमें आपको क्या मिलता है आपको प्लाज्मा मिलता है ठीक है अगर आप येल्लो टॉप सिरम को स एस टी ट्यूब जिसको बोलते हैं सीरम सेपरेटिंग ट्यूब उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो आपको सीरम मिलता है क्योंकि उसके अंदर कोई भी एंटीकॉन्ग्लेंट जो फैक्टर होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते ठीक है सो इफ ब्लड इज विद्रॉ विदाउट एंड अलाउड टू क्लॉट आफ्टर अबाउट टू आवर्स लिक्विड प्रोटीन इज सेपरेटेड फ्रॉम द क्लॉट अगर आपने विदाउट एंटीकोंगलेंट ब्लड को छोड़ दिया है रूम टेम्परेचर पे स्टैंडिंग पोजिशन में दो घंटे के लिए तो आपको उसमें क्या होगा लिक्विड प्रोटीन मिल जाएगा सेपरेट में ठीक है तो सपोज कीजिए आपने किसी ट्यूब में ब्लड सैंपल कलेक्ट किया ठीक है उसे रूम टेम्परेचर पर दो घंटे के लिए छोड़ दिया अब क्या होगा कि उसमें से जो लिक्विड ऊपर ऊपर होगा सुपरिनटेंडेंट जो लिक्विड होगा वो क्या है आपका लिक्विड प्रोटीन है ठीक है जो आपको वो मिल रहा है सेपरेट करने के बाद ब्लड से सो दिस डिफाइब्रिनेटेड प्लाज्मा इज कॉल्ड सीरम डिफाइब्रिनेटेड प्लाज्मा है उसको हम सीरम कहते हैं कैसे हाउ सो so, जो सीरम है उसमें क्वैगुलेशन फैक्टर्स इंक्लूड नहीं होते प्रोथोम्बिन एंड लैक्स होते हैं मतलब जो क्या है एक फैक्टर होता है आपने फैक्टर पढ़े होंगे हेमाटोलॉजी में कि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं बेसिकली फिब्रीनोजन एंड थ्रोप्रोथोम्बिन होते हैं ठीक है थ्रोमोप्लास्टिन होते हैं प्रोथोम्बिन होते हैं एंड फिब्रीनोजन होता है जो क्या करते हैं क्लॉट करने में ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं सो क्या है इसके अंदर काफी सारे क्लॉटिंग फैक्टर इंक्लूड होते हैं ठीक है प्लाज्मा कंटेन्स हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट प्रोटीन यानी जो प्लाज्मा है फ्रेंड्स वो कंटेन करते हैं डिफरेंट प्रोटीन्स यानी हंड्रेड डिफरेंट प्रोटीन्स कंटेन करते हैं सो टोटल प्रोटीन कंटेन ऑफ नॉर्मल प्लाज्मा इज सिक्स टू एट ग्राम पर हंड्रेड एम यानी पर हंड्रेड एम में सिक्स टू एट ग्राम क्या है नॉर्मल प्लाज्मा वो प्रेजेंट होता है उसके अंदर ठीक है एज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टडी द प्लाज्मा प्रोटीन में बी सेपरेटेड इन टू इसमें किस किस में हम प्लाज्मा प्रोटीन को सेपरेट कर सकते हैं एल्ब्यूमिन ग्लोबलिन फिब्रोनोजन एंड द एल्ब्यूमिन एज टू ग्लोबलिन रेशियो अब ए जी रेशियो निकालते हैं हम एल्ब्यूमिन ग्लोबलिन रेशियो ठीक है सो so, एल्ब्यूमिन कितने मात्रा में अगर हम देखें तो 3.5 टू 5 ग्राम पर डायसी लीटर एंड 2.5 टू 3.5 ग्राम पर डायसी लीटर एंड 200 टू 400 एमजी पर डायसी लीटर ठीक है सो एजी रेशियो जो होता है बेसिकली ये होता है वन रेशियो टू वन पॉइंट टू टू 1.5 पॉइंट फाइव रेशियो वन ये क्या है हमारा ए जी रेशियो है ठीक है फ्रेंड्स एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो सो ऑलमोस्ट ऑल प्लाज्मा प्रोटीन एक्सेप्ट इम्यूनोग्लोबुलिन आर सिंथेसाइज इन द लीवर ठीक है जो ऑल प्लाज्मा प्रोटीन्स है और इम्यूनोग्लोबिन है वो कहाँ सिंथेसाइज होते हैं लीवर के अंदर ठीक है सो कमर्शियल सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स कॉज फ्रैक्शनेशन वॉज अचीव्ड बाय कॉज फ्रैक्शनेशन बाय प्रिपरेशन ऑफ प्रोटीन एट डिफरेंशियल पी एच एंड इथाइल एल्कोहल ग्रेडियंट सो फ्रेंड्स क्या है जो कॉमर्शियल सेपरेशन है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन का वो फर्स्ट क्या है कॉन्स फ्रैक्शनेशन ये अचीव किया था कॉन फ्रैक्शनेशन ने अंडिस्क्राइब बाई एडविन कॉन ठीक है जो एडविन कॉन थे उन्होंने नाइनटीन फोर्टी फोर में ये जो alcohol एल्कोहल ग्रेडियंट्स है इथाइल एल्कोहल ग्रेडियंट क्या है उसके जरिए क्या किया था उन्होंने जो प्लाज्मा प्रोटीन्स से है उनको सेपरेट किया था ठीक है फ्रेंड्स प्लाज्मा प्रोटीन को सेपरेट करना इतना ईजिली नहीं था ठीक है सो एज पर दिस मैथड सो फर्स्ट फ्रैक्शन जो है हमारा फिप्रेन है सेकेंड फ्रैक्शन प्रोथोमिन थर्ड फ्रैक्शन ग्लॉबलिन फोर्थ फ्रैक्शन लिपोप्रोटीन एंड फिफ्थ फ्रैक्शन इज एल्बोमिन दैट इज ऑल ओवर द प्लाज्मा प्रोटीन ये सारे हमारे क्या है प्लाज्मा प्रोटीन है सो इन क्लिनिकल लेबोरेटरी सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन डन बाय सोल्ट सोल्ट के थ्रू हम क्या करते हैं इसको क्लिनिकल लेबोरेटरी में सेपरेशन का प्रोटीन को सेपरेशन करते हैं प्लाजो प्रोटीन को सो दस फिब्रिनोजन इज प्रेसिपिटेटेड बाय हंड्रेड टेन परसेंट ऑफ बाय ट्वेंटी टू परसेंट कंसेंट्रेशन ऑफ एन ए टू एसओ फोर सोडियम सल्फेट ठीक है सो अमोनियम सल्फेट प्रेसिपिटेट ग्लोबलिन एट हाफ सेचुरेशन ऑफ एल्बुमिन एट फुल सेचुरेशन अमोनियम so, सेपरेट क्या करता है प्रेसिपिटेट करता है ग्लोबलिन को हाफ सेचुरेशन में ठीक है और एल्ब्यूमिन को फुल सेचुरेशन में तो ये क्या है यहां पर रेशियो दिखाने के लिए बहुत ही अच्छा है कि जो एल्ब्यूमिन वो हाफ सेचुरेशन में प्रेसिपिटेट हो रहा है ओब्लिन है वो हाफ सेचुरेशन में सेपरेट हो रहा है एल्ब्यूमिन जो है फुल सेचुरेशन में सेपरेट हो रहा है सो फ्रेंड्स इन अ क्लिनिकल लैब हम क्लिनिकल लैब की बात करें तो टोटल प्रोटीन इन सीरम और प्लाज्मा ऑफ पेशेंट इज एस्टिमेटेड बाय ब्यूरोट मेथड जो बायोट मेथड होता है बेसिकली उसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट के अंदर जो बेसिकली प्रोटीन्स और सीरम प्रेजेंट है ठीक है वो हम क्लिनिकल लैब में पता लगा सकते हैं कितने अमाउंट में प्रेजेंट है ठीक है एस्टिमेट कर सकते हैं हम ब्यूरोट मैथड से सो एल्बुमिन इज क्वांटिटेटिव बाय ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन बी जिसको हम ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन मेथड भी बोलते हैं एंड इन विच बाउंडेड विद एल्बुमिन कलर इज एस्टिमेटेड कलरिमेटिकली सो कलरिमेटिकली में हम इसको मेजर कर सकते हैं एल्बुमिन के क्वांटिटेटिव मेथड से जिसको हम बीसीजी मेथड भी बोलते हैं जो ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन मेथड होता है हमारा ठीक है ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों जरूरी है फ्रेंड्स हमारे प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर so friends, जो हमारे होते के हम पता लगा सकते हैं कि कितना प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट है सो so, वो हमारा इलेक्ट्रिक जो हम इलेक्ट्रिकल फील्ड है फोरसिस को हम मूवमेंट कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस है हमारे प्लाज्मा प्रोटीन में उसको थ्रू भी हम पता लगा सकते हैं सो इन लैब इलेक्ट्रोफोरिस एम्प्लॉयड रेगुलरली फॉर द सेपरेशन ऑफ सीरम प्रोटीन सीरम प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए हम इलेक्ट्रोफोरिस करते हैं सो so, इलेक्ट्रोफोरिस का जो मेन मोटिव ये है कि जितने भी आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्लाज्मा प्रोटीन हंड्रेड प्लाज्मा प्रोटीन्स आपके अंदर प्रेजेंट है आपके आपके ब्लड के अंदर आपके प्लाज्मा के अंदर आपके सीरम के अंदर प्रेजेंट है तो आप हर किसी को डिफाइन कर सकते हैं हर किसी को सेपरेट कर सकते हैं उसके इलेक्ट्रोफोरिस उसके इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर उसके मूवमेंट के थ्रू

एंड इंटरप्रिटेशन नॉर्मल वैल्यूज और इंटरप्रिटेशन हम कि देखते हैं इन अगार जेल इलेक्ट्रोफोरिस नॉर्मल सीरम विल बी सेपरेटेड इन टू फाइव बैंड देयर रिलेटिव कंसेंट्रेशन सो क्या फ्रेंड्स यहाँ पर हम अगार जेल लेते हैं जिसके थ्रू क्या होता है इलेक्ट्रोफोरिस में हम नॉर्मल सिरम लेंगे तो उसको फाइव बैंड में सेपरेट किया जाता है ठीक है तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है जो फाइव बैंडस है एल्बुमिन अल्फा वन ग्लोबिलिन अल्फा टू ग्लोबिलिन बीटा ग्लोबलिन एंड गामा ग्लोबिल सोफ so, यहां पर जो हाई कॉन्सेंटेशन और लो कंसेंट्रेशन है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन हमारा एल्ब्यूमिन होता है और लो कंसेंटेशन हमारा अल्फा वन ग्लोबिलिन होता है ठीक है जिसकी परसेंटेज कितनी है फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी फाइव परसेंट है एल्ब्यूमिन की एंड अगर हम अल्फा वन ग्लोबलिन की बात करें तो टू टू फोर परसेंट है एंड अल्फा टू ग्लोबिन की बात करें सिक्स टू ट्वेल्व परसेंट एंड बीटा ग्लोबिल् ट्वेल्व परसेंट एंड जो गामा ग्लोबिल है वो ट्वेल्व टू ट्वेंटी टू परसेंट सो एल्बिन हैज मैक्सिमम मोबिलिटी एंड गामा ग्लोबिलिन हैज मिनिमम मोबिलिटी इन इलेक्ट्रोफिल यानी इसकी मोबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा जो हायर कंसंट्रेशन है वो है एल्बुमिन की एंड सबसे लो कंसंट्रेशन की बात करें तो मिनिमम मोबिलिटी होती है हमारी गामा गामाग्लोबलिन की लेकिन यहाँ पर हम लो कंसंट्रेशन ले रहे हैं अल्फा वन ग्लोबलिन की सो so, अगर गामा गामग्लोबिन कंटेन दी एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्लिन ठीक है सो हमारा गामा गामाग्लोबलिन क्या कंटेन करता है एंटीबॉडी कंटेन करता है जिसको हम इम्यूनोग्लोब्लिन भी बोलते हैं सो मोस्ट अल्फा वन फ्रैक्शन इज मेड अप ऑफ अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन सो क्या है जो मोस्ट अल्फा वन फे फ्रैक्शन है अल्फा वन फ्रैक्शन जो बना हुआ है हमारा किससे बना है अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन से बना हुआ है ठीक है और जो हमारा अल्फा टू बॉन्ड इज मेड अप बाय अल्फा टू मैक्रोग्लोबलिन सो अल्फा टू बैंड जो बने हुए हैं अल्फा टू मैक्रोग्लोब्लिन से बने हैं सो बीटा फ्रैक्शन जो है हमारा बीटा फ्रैक्शन कंटेन लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और इसका क्या होता है जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बहुत ही ज्यादा जिनकी लेयर सबसे ऊपर होती है अगर आप किसी ट्यूब को सेपरेट करते हैं ट्यूब को सपोज कीजिए आपकी ट्यूब है इसको आप सेपरेट करते हैं तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होगी वो होगी आपकी बीटा फ्रैक्शन जो कंटेन करता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ठीक है सो एबनॉर्मल पैटर्न्स इन क्लिनिकल डिजीज अब हम एबनॉर्मल पैटर्न की बात करने जा रहे हैं जब हम इलेक्ट्रोफोरिस करते हैं उस टाइम पर क्या होता है कि सारे नॉर्मल पैटर्न्स नहीं होते कुछ एबनॉर्मल पैटर्न भी होती हैं जिसमें हमें क्या होता है कई सारी दूसरे शेप्ड भी दिखती हैं बैंड की ठीक है हम बैंड के थ्रू भी पता लगा सकते हैं कि जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो कितना ज्यादा कंसेंट्रेशन है कितना ज्यादा है या कितने अमाउंट में प्रेजेंट है सो वेरियस एबनॉमलिटीज कैन बी आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोफोरेटिक पैटर्न इलेक्ट्रोफोरेटिन के पैटर्न में भी हम कई सारी एबनॉर्मलिटीज को भी डिफाइन कर सकते हैं ठीक है इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए सो फ्रेंड्स यहां पर बात करूं कि इन क्रॉनिक इन्फेक्शन ग्लोबुलिन इज रीस्ट। सो so क्या होगा अगर आपको कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन है ठीक है आपकी बॉडी के अंदर कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन चल रहा है तो उसमें क्या होगा आपका गामा ग्लोबुलिन जो है उसका जो लेवल है काफी हाई आएगा ठीक है उसकी बैंड जो बनेगी वो काफी डिफरेंट बनेगी सो so इन पैराप्रोटीनिमिया पैराप्रोटीनिमिया एंड शार्प स्पाइक इोटेड यहां पर क्या है शार्प शार्प स्पाइक नोट करेंगे हम टर्मड एज एम बैंड जो एम एम बैंड है एम बैंड की बात करें तो वो क्या होगा टर्मेड होगा एंड दिस इज ड्यू टू पोरोनिकल ऑरिजिन ऑफ आई जी जो हमारा इम्यूनोग्लोबिन है इज मल्टीपल माइलोमा केस में क्या होगा उसका जो है मोनोडोमिनल हो जाएगा ठीक है मोनोडोमिनल के, के थ्रू ही क्या होता है पैरा प्रोटीनिमिया डिजीज कॉज होती है सो so, इसमें क्या होगा मल्टीपल माइलोमा होने के चांसेस होते हैं सो फ्रेंड्स कुछ पैटर्न के जरिए कुछ बैंड के जरिए मैं आपको नॉर्मल पैटर्न क्रॉनिक पैटर्न माइलोमा बैंड के जरिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये किस तरह से दिखते हैं तो फ्रेंड्स सबसे फर्स्ट पैटर्न हम देख रहे हैं नॉर्मल पैटर्न है हमारा जो हम इलेक्ट्रोफॉर्सिस करते हैं परफॉर्म अपने लैब के अंदर सो so, आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंड बनी हुई है ठीक है ये डिफरेंट डिफरेंट बैंड है ये हमारी गामा जी की बैंड है ये बीटा जी की है अल्फा टू फ्रैक्शन है अल्फा वन फ्रैक्शन है एंड एल्ब्यूमिन है ठीक है सो यहाँ पर क्या है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर दिया हुआ है और स्टेटिस पॉइंट स्टार्टिस पॉइंट भी हमारा यहीं पे है सो नॉर्मल पैटर्न आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखाई देता है ठीक है ये हमारा नॉर्मल पैटर्न है सेकेंड पैटर्न आप देख रहे हैं ये हमारा क्रॉनिक इनफेक्शन का पैटर्न है क्लॉनिक इन्फेक्शन में हमने क्या पढ़ा है फ्रेंड्स जो गामा ग्लोबलिन है गामा जी है उसमें क्या होगा उसका जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा अगर क्रॉनिक इन्फेक्शन में गामा जी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसका बैंड भी क्या होगा बड़ा बनेगा ठीक है तो उसका जो बैंड है वो भी क्या होगा बड़ा बनेगा ठीक है सो यहाँ पर ये क्रॉनिक इन्फेक्शन को लोकेट कर रहा है अगर आप थर्ड देख रहे हैं तो थर्ड में क्या होता है ये बिल्कुल हाफ में डिवाइड हो जाते हैं ये मल्टीपल माइलोमा के चांसेस हैं, ठीक है केसेस हैं, सो माइलोमा बैंड बना हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है, गामा जी है ठीक है गामा ग्लोबुलिन है यहाँ पर माइलोमा बैंड बन गया है तो ये थ्री केसेस जो मैंने आपको बताए हैं बेसिकली ये चीज देखी जाती है इसके अंदर एबनॉर्मल पैटर्नस है हमारे ये मैंने आपको तीन पैटर्न बताए हैं नॉर्मल पैटर्न कैसा दिखता है क्रॉनिक इन्फेक्शन कैसा दिखता है एंड मायलोमा बैंड कैसा दिखता है ठीक है फ्रेंड्स ये हमारे इलेक्ट्रोफॉरसिस करने के बाद के पैटर्नस है जो आपको दिखाए गए हैं ठीक है सो इंस्टेंट ऑफ सीरम इफ प्लाज्मा इज यूज फॉर इलेक्ट्रोफॉर्सिस फिब्रेनोजन विल फॉर्म ऑफ प्रोमिनल बैंड विच मे बी कंफ्यूज्ड With माइलोमा बैंड सो क्या है यहाँ पे जब हम सीरम से ना करके प्लाज्मा से परफॉर्म करते हैं इलेक्ट्रोफोरसिस तो क्या होता है यहाँ पे यहाँ पे हम कंफ्यूजन हो जाती है कि जो हमारा माइलोमा ब्लैंड है बैंड है वो क्या है प्रोमिनल बैंड के जैसा ही दिखता है तो उसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस ज्यादा होते इसलिए हम सीरम से परफॉर्म करते हैं ठीक है फ्रेंड्स क्या है हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस पढ़ने वाले हैं जिसमें हम बैंड्स देखेंगे किस तरह के बनते हैं ठीक है सो so, स्टार्ट करते हैं सो इन प्राइमरी इम्यूनोडेफिशियं गामा ग्लोबलिन फ्रैक्शन इज रिड्यूस सो अब अगर हमारा जो प्राइमरी गामा गामाग्लोबलिन है उसमें क्या होगा जो गामाग्लोबलिन है इम्यूनोडफिशियंसी में उसका जो फ्रैक्शन है वो क्या होगा रिड्यूज हो रहा है तो उसके इसमें क्या होगा कुछ इस तरह का बैंड बनेगा ठीक है जो गामा जी इज रिड्यूज यानी उसका जो जितना अमाउंट में बैंड बनता था नॉर्मल जो बैंड बनता था उसके अकॉर्डिंग ये बहुत छोटा सा बनेगा ठीक है बाकी नॉर्मल रहेंगे इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक्सेप्ट वेरी बिग न्यूक्लियस आर लोस्ट थ्रू यूरिन एंड सो अल्फा टू फ्रैक्शन कंटेनिंग मैक्रो टू ग्लोबलिन विल बी वेरी प्रोमिनेंट अब क्या है कि जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के केसेस आते हैं फ्रेंड्स उसमें क्या होता है प्रोटीन्स को छोड़ के वेरी जो न्यूक्लियस होते हैं वो खो देते हैं ठीक है सो यूरन so, के अंदर जो है यह आपको देखने को मिलेंगे सो अल्फा टू फ्रैक्शन जो है वो कंटेन करते हैं ठीक है अल्फा टू फ्रैक्शन कंटेन करते हैं जिसको मैक्रो टू ग्लोबुलिन विल बी वेरी प्रोमिनेंट ये क्या होता है मैक्रो टू ग्लोबुलिन जो है आपके बैंड दे सकते हैं हमारा अल्फा टू फ्रैक्शन का बैंड है ठीक है अल्फा टू फ्रैक्शन जो है वो प्रोमिनेंट हो जाता है इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम केस में ठीक है सो यहां पर अल्फा टू एक्टिव होगा प्रोमिनेंट होगा किसके केस में नेफ्रोटिक सिंड्रोम केस में इन सिरोसिस ऑफ लीवर एल्बुमिन सिंथेसाइज्ड बाय लीवर इज डिक्रीज अगर आपको लीवर सिरोसिस हुआ है तो उस केस में क्या होगा जो एल्बुमिन सिंथेसिस है लीवर के अंदर वो कम हो जाता है सो कमेंडेट्री सिंथेसिस ऑफ ग्लोबलिन और क्या होता है एल्बुमिन जब कम होगा तो ग्लोबलिन की सिंथेसिस बढ़ जाती है सो एल्बुमिन बैंड विल बी थिन विद अ वाइड बीटा फ्रैक्शन समटाइम बीटा एंड गामा फ्रैक्शन आर फ्यूज ठीक है सो कभी कभी क्या होता है जो बीटा और गामा है वो फ्रैक्शन फ्यूज हो जाते हैं ठीक तो so, यहां पर क्या हो रहा है जो हमारा सिरोसिस की केस में एल्बुमिन का सिंथेसिस तो कम हो रहा है ग्लोबलिन का बढ़ रहा है तो यहां पर जो ग्लोबलिन की बैंड होगी वो तो इंक्रीज होगी बट जो एल्बुमिन की बैंड होगी वो क्या होगी डिक्रीज हो जाएगी सो so, एल्बुमिन की जो बैंड है आप देख सकते हैं जो एल्बुमिन है वो डिक्रीज हो रही है और जो ग्लोबलिन है वो इंक्रीज होगी ठीक है इस केस में सिरोसिस की केस में ठीक है इन क्रॉनिक लिम्फेटिक ल्यूकेमिया गामा गामाग्लोबलिन फ्रैक्शन इज रिड्यूस्ड अब क्रॉनिक लिम्फेटिक ल्यूकेमिया है डिजीज है जिस केस में क्या होता है जो गामा गामाग्लोब्लिन फ्रैक्शन है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा यानी गामा गामाग्लोब्लिन फ्रैक्शन क्या है हमारे एल्बोमिन बीटा फ्रैक्शन अल्फा फ्रैक्शन जो है ये तो प्रॉपर ठीक रहेंगे बट जो रिड्यूस होगा वो होगा गामा गामाग्लोबलिन ठीक है अब है हमारा इन अल्फा वन एंटी डेफिशिएंसी अब एक एंटीट्रेप्सिन अल्फा वन एंटी जो है हमारा ये डेफिशिएंसी है इस केस में क्या होता है जो अल्फा वन बैंड है वो काफी थिन हो जाता है एक पतली सी लाइन बन जाती है एंड इवन मिसिंग ये बिल्कुल दिखना भी बंद हो जाता है इस केस में एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी है जिसमें अल्फा वन बैंड जो है बिल्कुल थिन हो जाता है या फिर दिखना ही बंद हो जाता है तो फ्रेंड्स ये सारे हमारे इलेक्ट्रोफोरेसिस हैं ठीक है ठीके? जो हमने परफॉर्म किया है इलेक्ट्रोफोरेसिस उसके बाद के रिजल्ट है तो इस केस में बहुत सारे डिजीजेस पड़ी हमने पांच छह डिजीजेस पड़ी जिस केस में वो कौन से बैंड बनते हैं किस में कम होता है ग्लोबलिन एल्ब्यूमिन जो है किस में ज्यादा होता है तो वो हमने डिस्कस किया यहाँ पे तो हमारा जो प्लाज्मा प्रोटीन है बेसिकली यहीं पे फिनिश होता है आपको यहाँ पे दो टॉपिक क्लियर हो गए है इलेक्ट्रोफोरिस एंड आपका प्लाज्मा प्रोटीन तो प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर ही इलेक्ट्रोफोरिस था फ्रेंड्स किस तरह से उसको बैंड को हम चेक करते हैं कि कैसे क्या कम हुआ है कैसे क्या बढ़ा है बॉडी में क्या इन्फेक्शन है जिसकी वजह से ये कम हुआ है ठीक है सो फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप ठीक है so, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड फ्रेंड्स चैनल अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स